गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in। आज है 29 अक्टूबर 2020, थर्सडे है, सुबह के 8:40 हो रहे हैं। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट के हालात देखेंगे, फिर निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलेंगे। ये जो मंथ है, यहाँ पर क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आ रहे हैं इस महीने में, तो काफ़ी वोलेटाइल मार्केट देखने को मिल रहा है। और नेक्स्ट मंथ दो बड़े इवेंट है, एक तो बिहार स्टेट का इलेक्शन है और दूसरा US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, तो उसके मद्देनज़र मार्केट काफ़ी वोलेटाइल हो रहा है। नास्डैक अगर US मार्केट देखे तो लास्ट 2-3 दिन से वहाँ पर एक कमजोरी देखने को मिल रही है। कोरोना वायरस के केसेस जो है वो यूरोप में, जैसे यहाँ पर सेकेंड वेव आने की बात हो रही है, वैसे दुनिया भर में भी केसेस जो है वो काफ़ी बड़े हैं, तो इसके वजह से भी थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है ग्लोबल मार्केट्स में। नास्डैक कल 426 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो लास्ट एक मंथ से कमजोरी में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। एशियाई बाजार देखे तो SGX निफ्टी आज 67 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है और लगभग सभी एशियाई बाजार इस समय लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर को देखें तो रिकवरी दिखा रहा है, कल का जो जबरदस्त गिरावट निफ्टी डाउ में देखने को मिली थी उसके बाद एक रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट फिलहाल कमजोर दिखाई दे रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। ये निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पर जैसे कि हमने फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था, अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो ये जो लेवल है 38.2% का, यहाँ पर 11,931 के पास ये इसके ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहा है, इसी के आसपास ये क्लोज हो रहा है लास्ट 4 महीने से। अभी ये वीक खत्म नहीं हुआ है, 2 दिन बाकी है। अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डबल टॉप फॉर्मेशन जैसा पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है वीक का कैंडल, 2 दिन बाकी है। अगर ये कंप्लीट होता है और इसका नेक लाइन ये जो बन रहा है इसको कम्प्लीटली ये ब्रेक करता है तो निफ्टी हमें 11,500 तक आते हुए दिखाई दे सकता है। 11,500 को अगर ये ब्रेक करता है एज पर वीकली चार्ट, ये लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट हम देख रहे हैं, इसको अगर ब्रेक करता है तो फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पर होगा ये जो पिंक लाइन है 20 EMA का, ये अराउंड अभी फिलहाल 11,252 के पास है, ये नेक्स्ट सपोर्ट हो सकता है अगर ये 11,500 को ब्रेक करता है तो। ऊपर 12,000 एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, यहाँ से हमने देखा अगर डेली चार्ट पर चले हम तो हमने देखा यहाँ से 2-3 बार इसने 12,000 को टच किया और वहाँ से ये टूवर्ड साउथ की तरफ आया। अगर डेली चार्ट में RSI वर्सेस अगर हम प्राइस एक्शन को देखें तो जब भी ये जो 70 और 100 का ओवरबॉट जोन है, यहाँ पर जब भी निफ्टी इंडेक्स आता है, RSI आता है, तो यहाँ पर ऊपर निफ्टी का प्राइस जो है यहाँ से हमें एक छोटा करेक्शन देखने को मिलता है। जब भी यहाँ से ये 70 के पास आता है एक हमें करेक्शन देखने को मिलता है, तो अभी फिर से ये 70 के आसपास पहुँच गया था और हमें यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि 70 के पास आ गया तो ऊपर प्राइस में करेक्शन ही आता है, नहीं, 70 के बाद ये एक्सट्रीम ओवरबॉट भी बन सकता है, लेकिन ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि जब भी 70 के पास आता है और प्राइस एक्शन में ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल मिलता है तो एक यहाँ पर करेक्शन आते हुए दिखाई देता है। अगर डेली चार्ट को भी लाइन चार्ट में कन्वर्ट किया जाए तो ऊपर यहाँ पर डबल टॉप फॉर्मेशन बन रहा है और ये जो है लोअर हाइज लोअर लो का यहाँ पर पैटर्न बन रहा है, लोअर हाइज बन रहा है, फिर यहाँ पर ये स्विंग लो जो बना है इसके नीचे ये चला गया है, निफ्टी इंडेक्स क्लोज हुआ है कल। तो अगर ये जो अपसाइड मूव आया है इसका अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल अगर ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं एग्जैक्ट 23.6% का ये जो लेवल है 11,733 के पास, इसी के पास लास्ट 3 दिन से ये सपोर्ट टेस्ट कर रहा है, तो अभी ये अगर ब्रेक होता है तो 38.2% का लेवल होगा 11,550 के पास। हमने वीकली चार्ट में देखा वहाँ पर 23.6% का जो फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल था वो 500 के पास आ रहा था, तो अगर ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो हमें 500 के आसपास निफ्टी इंडेक्स फिर एक सपोर्ट टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये डेली और वीकली चार्ट का इस समय का सिनेरियो है कि चलते 60 मिनट की चार्ट में इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स अगर क्लियरली ये जो लेवल है यानी कल के लो के पास इसने पास्ट में एक स्विंग लो बनाया जहाँ से इसने बाउंस बैक मूव दिखाया,
तो ये जो लेवल है 11676, ये अगर ब्रेक होता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11655, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 11637, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। अगर एक्सट्रीम गैप डाउन ओपन होता है तो वेट एंड वॉच करें। गैप डाउन गैप अप ओपनिंग में एक्सपीरियंस ये होता है ट्रेड करने के लिए, तो कम्प्लीटली वेट करना होगा। फिर से जब ये ब्रेक करे ब्रेक डाउन लेवल को 11676, तभी एंट्री ले सकते हैं। और ऊपर की तरफ अगर ये मूव होता है तो यहाँ पर ये जो लास्ट इनसाइड बार ट्रेडिंग बना है इसका, ये अगर ये हाई ब्रेक करता है यानी 11756 के ऊपर चला जाता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11771, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11788, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।